गहरी आध्यात्मिकता और युवा जोश है भूटान की परंपरा। थिम्फू के रॉयल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी का संबोधन। दस्तक के लोक नृत्य और साहित्य को संरक्षित रखने चित्रकूट में होगी साहित्य अकादमी की स्थापना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। गणित अंग्रेजी और विज्ञान विषयों की गुणवत्ता में सुधार आने शिक्षकों को दे रहे प्रशिक्षण। निखार कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा विभाग की पहल। और जांजगीर के नैला में डायरिया बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लगाया कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घृणा पर खुशी की जीत हमेशा होगी। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता सौहार्द को बढ़ावा देती है और प्रसन्नचित रहकर विश्व जगत बहुत कुछ हासिल कर सकता है। श्री मोदी ने थिम्फू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने इस बात की सराहना की कि भूटान ने प्रसन्नता, एकजुटता, करुणा और सौहार्द के मूल्य को अपनाया है। ओवर 4,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम भूटान आर एंगेज इन स्टडीज इन इंडिया। दिस नंबर कैन एंड शुड ग्रो एज वी मार्च फॉरवर्ड टू डेवलप अवर कंट्रीज। वी ऑल्सो नीड टू कीप पेस with ever changing technological landscape. It is therefore important that we collaborate in all areas of emerging technologies and education. I am happy that yesterday we have begun new chapters of engagement between India's premier IITs and this prestigious university. We hope that this will lead to more collaborative learning and research. Friends, in any part of the world, if we ask the question, what do you associate with Bhutan? The answer will be the concept of gross national happiness. I am not surprised. Bhutan has understood the essence of happiness. Bhutan has understood the spirit of harmony, togetherness and compassion. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के कारण दोनों देशों के बीच अनूठे और गहरे संबंध हैं और इनके कारण ही भारत और भूटान के संबंधों में इतनी घनिष्ठता है। श्री मोदी ने कहा कि गहरी आध्यात्मिकता और युवा जोश भूटान की परंपरा है। भारत को इस बात का गर्व है कि भारत भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बने और बौद्ध धर्म का यहीं से दुनिया में प्रसार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक में लिखी उनकी बातें काफी हद तक भगवान बुद्ध की देशना से प्रेरित थी। इस पुस्तक में सकारात्मक, भयमुक्त और हमेशा वर्तमान में तथा प्रकृति के अनुरूप रहने की उनकी सोच बुद्ध के दर्शन से ही प्रेरित थी। श्री मोदी ने कहा कि यह युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है और इसलिए उन्हें हर चुनौती का नया समाधान ढूंढने के प्रयास करने चाहिए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के कई विद्यार्थी आगे चलकर वैज्ञानिक, इंजीनियर और नवप्रवर्तक बनेंगे। बस्तर के लोक नृत्य और साहित्य को संरक्षित रखने के लिए चित्रकूट के आसना में साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चित्रकूट में आयोजित वन अधिकार और सुपोषण कार्यशाला में इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने लोहनीगुड़ा में अनुविभागीय कार्यालय और महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की।
इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि बस्तर में हरिक नानीबेरा यानी खुशहाल बचपन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंडा, मूंगफली, लड्डू जैसे पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषण को समाप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर से सुपोषण अभियान की शुरुआत की जा रही है। जिस प्रदेश में 37.6% बच्चे कुपोषित हों 5 वर्ष से कम उम्र के और 41.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हों, वहां कुपोषण से बड़ी समस्या दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि माता यदि कुपोषित हो गई तो बच्चे कुपोषित होंगे, गौनापन होगा, कमजोर होगा, इसे मजबूत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बस्तर से, दंतेवाड़ा में सुपोषित जिला, बस्तर सुपोषित जिला से शुरुआत की है। और 2 अक्टूबर गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हाट बाजारों में क्लिनिक योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार की सुविधा दी जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में लगभग 125,49,00,000 रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने अधिकारियों को ककनार और बिंता घाटी में निर्माणाधीन सड़क को जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र, नवनिर्मित राशन कार्ड सहित कृषि उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय आजीविका मिशन बस्तर के अंतर्गत लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के महिला समूहों के स्टॉल का अवलोकन कर उनके कार्यों की सराहना भी की। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम समेत अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में निखार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में भी मास्टर ट्रेनरों द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान दुर्ग के सहायक परियोजना अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि 8वीं और 9वीं के बच्चों में शिक्षा स्तर में कमी को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि उनका उन्नयन किया जा सके। ये निखार कार्यक्रम जो है इस राज्य के 10 जिलों में उन्होंने लागू किया है। यही कार्यक्रम जो है उड़ीसा में उत्कर्ष के नाम से पूर्व में संचालित किया जा चुका है और वहाँ के जो परिणाम है बच्चों के वास्तव में ये बच्चों के अधिगम स्तर के उन्नयन के लिए कार्यक्रम है और वहाँ का जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ। बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो उसमें अपग्रेड हुआ, तो ये जो है कार्यक्रम यहाँ पर भी राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस राज्य में लागू किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाली मास्टर ट्रेनर सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों की आयु और शिक्षा के स्तर के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों द्वारा बच्चों को विशेष कार्य योजना के तहत शिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के नैला में फैले डायरिया से नाराज होकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री की फटकार के बाद अफसरों ने पूरे गांव में कैंप लगा दिया है। दरअसल 15 अगस्त को जिले के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री के पास नैला में डायरिया फैलने की शिकायत पहुंची। लोगों ने मंत्री को बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण डायरिया से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। लोगों की शिकायत पर मंत्री ने डॉक्टरों को फटकार लगाई। उन्होंने स्वास्थ्य अमले को तत्काल गांव में कैंप लगाने और पीड़ित लोगों के समुचित उपचार करने के निर्देश दिए।
मंत्री की फटकार के बाद स्वास्थ्य अमला पूरे गांव में सक्रिय हो गया और घर घर जाकर लोगों की जांच की। गली मोहल्लों में जाकर जल स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। मंत्री के निर्देश पर पीने के पानी की जांच भी की जा रही है। गीतम के नवनिर्मित 50 सीटर मातृ शिशु अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज के परिजनों और स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला। आगजनी की इस घटना से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए के सामान नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि अस्पताल में बिजली का काम गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण यह घटना हुई। लोगों ने इस मामले की जांच की मांग भी की है। सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने वाले नाइजीरियन मूल के दो ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर राजनांदगांव की दंपत्ति से 45 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। बताया गया है कि स्टेशन पारा निवासी सुनीता आर्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं। उन्हें 2018 में डेविड सूर्या नाम के व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। इसके बाद उनके बीच बातचीत होने लगी। इसी दौरान सुनीता को किसी व्यक्ति ने फोन कर विदेश से महंगे गिफ्ट आइटम भेजने की जानकारी दी। फोन करने वाले ने अपने आप को कस्टम अधिकारी बताते हुए पार्सल छुड़ाने के एवज में 65,000 रुपए जमा करवाए। इसके बाद लगातार सुनीता को डेविड द्वारा विभिन्न मोबाइल नंबरों से फोन कर जुलाई 2018 से नवंबर 2018 के बीच 45 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी की शिकार होने के बाद महिला ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जिले के एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और मोबाइल नंबरों के आधार पर दोनों ठगों के दिल्ली में होने की सूचना मिली, जिसके बाद राजनांदगांव से पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई, जहां पहुंचकर राजनांदगांव पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक राजनांदगांव कोतवाली थाना में एक परिवार ने जो है 46 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी के जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराया था। उस आधार पर जो हमारे जो साइबर जो सेल है उस आधार पर जो नंबरों से जो हुई थी और उसके आधार पर जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन उसमें शुरू किया और जो भी डंप निकाला, फिर उस आधार पर उन लोगों का जो लोकेशन मिला उसके अनुसार जो नई दिल्ली का था, तो हमारी टीम जो है पिछले 10-15 दिनों से जो है नई दिल्ली में कैंप किया हुआ था और लगातार उनको जो है फॉलो कर रहा था और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जो है चाणक्य रिवाला एरिया है वहाँ से जो है दो नाइजीरियन नागरिकों को जो है विद सबूत जो है उनको जो है गिरफ्तार किए हैं। बताया गया है कि इन आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद ठगी के और मामलों के खुलासा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, गहरी आध्यात्मिकता और युवा जोश है भूटान की परंपरा। थिम्फू के रॉयल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी का संबोधन। बस्तर के लोक नृत्यों और साहित्य को संरक्षित रखने चित्रकूट में होगी साहित्य अकादमी की स्थापना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों की गुणवत्ता में सुधार लाने शिक्षकों को दे रहे हैं प्रशिक्षण। निखार कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा विभाग की पहल। और जांजगीर के नैला में डायरिया बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लगाया कैंप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।